हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल AUDICI टेक्नोलॉजीज में। तो गाइज, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की किसी भी फाइल के अंदर जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर जितना भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है, कोई नंबर पड़ा हुआ है, तो उसको हम कॉलम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर टेक्स्ट के अंदर, जैसे कि मैंने कहा कि कोई नेम है, उसके अंदर फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम या थर्ड नेम है, या फिर मिडिल नेम जो आता है, उनके अंदर कॉमा पड़ा हुआ है, स्पेस पड़ा हुआ है, उन सबको अलग से कॉलम में कैसे डालते हैं। तो गाइस, इसको फॉर्मूले के थ्रू भी हम कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर भी एक टूल है जहाँ पे हम कर सकते हैं। तो गाइस, आज आपको बताऊंगा कि कैसे इसको हम यूज़ करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आगे बढ़ने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए, मेरे इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यूट्यूब के ऊपर आप देखेंगे चैनल का नाम AUDICI टेक्नोलॉजीज और ये है सब्सक्राइब बटन, इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसको आप लाइक करेंगे, ठीक है। तो गाइज, अगर आपको देखने हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि बहुत ही यूजफुल होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, या फिर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसे उसको यूज़ करते हैं, तो उसके लिए इंस्टॉल कर सकते हैं अपने गूगल प्ले स्टोर से एक ऐप को जिसका नाम है AUDICI टेक्नोलॉजीज। देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं करके। यहां पे मैं कंप्यूटर पे खोल रहा हूं, तो आप इंस्टॉल करने के लिए अपने एंड्रॉइड फ़ोन पे खोल सकते हैं। आप टाइप करेंगे AUDICI टेक्नोलॉजीज इन द प्ले स्टोर और आप सर्च करेंगे ऐसे करके। सर्च करने के बाद आप देखिए ऐप्स के अंदर अगर आते हैं तो आपको इसका इंटरफेस इस तरह का दिखाई देगा ऐप का। गाइज, बहुत ही छोटी ऐप है, 5 MB की। देखिए, ये वाली ऐप है, इसको अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको दिखेंगे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस, और इस ऐप से आप बाहर भी आ सकते हैं। और किसी, ये ऐप बिल्कुल यूट्यूब की तरह काम करती है, और अगर इस ऐप के ऊपर आप कुछ सर्च करना चाहते हैं तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे फॉर्मूले को। तो सबसे पहले मैं खोलता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ये फाइल। तो आपको दिख रहा हो कि गाइज, मैंने यहाँ पे एक शीट बना रखी है, यानी कि डेटा एक मेरे पास पड़ा हुआ है जहाँ पे मेरे पास नेम्स पड़े हैं, मिडिल नेम और लास्ट नेम है। मेरा टास्क क्या है कि मुझे जितने भी मेरे पास नेम्स पड़े हुए हैं, ये देखिए अंकित कुमार शर्मा, इनके बीच में स्पेस पड़ा हुआ है और इसमें बीच में कॉमा है, फिर स्पेस है, इन सबको अलग कैसे करते हैं लेटर्स से। तो मुझे ये नेम्स यहाँ पड़े हुए हैं, बट मुझे इनके मिडिल नेम अलग करने और लास्ट नेम अलग करने हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि किसी भी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर कोई स्पेस है या कोई सेमी कॉलन है या कॉमा है, उसको आप कैसे अलग कर सकते हैं। तो गाइज, मैं आपको बताऊंगा कैसे उसको अलग कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा टॉप पे, आप डेटा में जाएंगे, डेटा के अंदर आप देखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम का एक ऑप्शन बना हुआ है, बट इसे सिलेक्ट करने से पहले आप डेटा को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहां से मैं करता हूं उसको सिलेक्ट, ठीक है। मैंने किया टेक्स्ट टू कॉलम, करने के बाद आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, डिलिमिटेड का और फिक्स विथ का, यानी कि ये डिलिमिटेड एक ऑप्शन है और फिक्स विथ का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है कि अगर आप इसको लिमिटेड करना चाहते हैं कैसे, तो आप डिलिमिटेड के भी कर सकते हैं या फिक्स करना चाहते हैं फिक्स भी कर सकते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसको, पहले वाला ऑप्शन को आप देखेंगे, मैंने किया नेक्स्ट पे, ओके, ठीक है। अब आपको यहाँ कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे कि आपके पास जितने भी टेक्स्ट पड़े हुए हैं आप उसको किस चीज़ से हटाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास पहले वाला जो सेल है उसके अंदर अंकित कुमार शर्मा, तो तीनों के बीच में स्पेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्लिक किया स्पेस पे, यानी कि मैं स्पेस को हटाना चाहता हूँ। तो गाइज, आप देखेंगे आपको इस छोटे डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रीव्यू भी दिखाई देगा, वो कह रहे कि अगर आप स्पेस को अलग कर दे तो आपको आपका जो टेक्स्ट वो इस तरह दिखाई देगा, यानी कि आपका पहला जो कॉलम है उसमें आपने स्पेस हटा दिया तो आपका ये 2-3 कॉलम में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि यार स्पेस का देखिए कॉमा भी हटा दो, तो चलिए कॉमा हटा लेते हैं। देखिए, मैंने कॉमा पे क्लिक कर दिया तो उसने सारे नेम्स अलग कर दिए, सारे के सारे, यानी कि उसने स्पेस को कॉमा को हटा दिया। उसके अलावा अगर आपके पास सेमी कॉलन होता, कोई कॉमा होता, सेमी कॉलन होता, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते थे यहाँ पे, अभी फिलहाल नहीं है तो करने की जरूरत नहीं है। अगर टैब के अंदर अगर ये होता, टैब से आपको अलग करना, तो टैब क्लिक करके भी आप इसको हटा सकते थे। अदर का मतलब है, जैसे आपके पास कुछ सेमी कॉलन पड़ा हुआ है, जैसे मैंने कहा मेरे पास कॉलन पड़ा हुआ है ऐसे वाला, या डबल कॉलन पड़ा हुआ है, मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और इसको आप टिक रहने दीजिए। अगर उसको डबल इसको टिक कर देता हूँ ऐसे करके, तो एक कॉलन पड़ा होगा, ये जो स्लैश होता है, स्लैश पड़ा होगा या सेमी कॉलन पड़ा होगा, ये सारे के सारे हटा के आपको जो टेक्स्ट है उसको नॉर्मल वैल्यू में लेके आएगा। तो देखिए, जैसे कि दिखाई दे रहा है आपको, अब इसे करते हैं, चलिए नेक्स्ट। अब मैंने कर दिया इसको नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसे करूँगा फिनिश। देखिए, डू यू वॉन्ट टू रिप्लेस द कंटेंट ऑफ द डेस्टिनेशन सेल्स, येस, ओके। अब आप देखेंगे कितने सिंपल तरीके से इसने नेम्स अलग कर दिए, मिडिल नेम अलग कर दिए, लास्ट नेम अलग कर दिए। तो गाइस, इट वाज वेरी इजी टू लर्न कि बिल्कुल कैसे कर सकते हैं बिना फॉर्मूले के, ठीक है। इसको मैं फिर से अंडू कर देता हूँ। अब चलिए फिर से क्या करते हैं, फिर से मैं जाता हूँ टेक्स्ट टू कॉलम पे। पहला ऑप्शन आएगा, आपको समझ में आएगा होगा, उसमें कुछ है नहीं है। आप देखेंगे कि टैब सेमी कॉलम, जिससे आपको टेक्स्ट को अलग करना है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे और अलग कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ बैक प्रेस। अब आएगा फिक्स विद, फिक्स विद को कैसे यूज़ करते हैं। फिक्स विद के अंदर भी वही काम होता है, बट इसके अंदर आपको मैनुअली अपना पैराग्राफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे इसमें मैंने कहा फिक्स विद करना है मुझे, मैंने किया नेक्स्ट। अब देखिए, यहाँ पे आपको जिस तरह से डेटा प्रीव्यू दिखाई देगा,
अब मैंने कहा अंकित और कुमार के बीच में मुझे एक स्पेस चाहिए, लाइन चाहिए, तो मैंने देखिए इसको सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और एक मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, तो फिर से मेरा वैसे कॉलम बन जाएगा। बट आप देखेंगे कि जो लेटर्स है वो अरेंज अच्छी तरह से नहीं हो रहे, यानी कि एच के बाद जो है हमारी लाइन बीच में आ रही है, कॉमा बाद में पड़ रहा है, तो ये यूज़ नहीं हो सकता। इसको यूज़ करने के लिए आपको एक ऐसे टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सारा का सारा नॉर्मल टेक्स्ट होगा, तो उसमें आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने किया ओके, तो देखिए सही से नहीं दिख रहा, इसलिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि सिंपल टेक्स्ट करना पड़ेगा आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अमित आर्य, ठीक है, मैंने ये लिखा। अब मैं कहता हूँ मैं इसको अलग करना चाहता हूँ टेक्स्ट को, तो ठीक है, मैं फिर से आता हूँ टेक्स्ट कॉलम पे। अब मैं जाऊँगा फिक्स विद के अंदर, टेक्स्ट किया मैंने, तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा सकता हूँ। देखिए इसके बीच में मैंने लाइन लगा दिया, नेक्स्ट कर दिया, ओके दिख रहा है मुझे पूरा का पूरा। यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा, जनरल एक ही बात है, कोई बात फर्क नहीं पड़ता, फिनिश। तो देखिए यहाँ पे अमित अलग हो गया, आर्य अलग हो गया। आपको आर्य ऐसे क्यों है, क्योंकि ये इस कॉलम की सेटिंग के हिसाब से आ रहा है, ठीक है, दोनों को अलग कर दिया। तो गाइस इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सेल के अंदर पड़े हुए टेक्स्ट को कॉलम से कॉलम में डाल सकते हैं, कॉमा से, सेमी कॉलन से, स्लैश से, कोई भी आपके पास पड़ा हुआ है, स्पेस पड़ा हुआ है, आप उसको उससे अलग करके एक रियल वैल्यू में उसको डेटा को अरेंज करके निकाल सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं ऑडिसी टेक्नोलॉजीज़ में, तो ऑडिसी टेक्नोलॉजीज़ को सर्च कीजिए गूगल के प्ले स्टोर पे, वहाँ पे इसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको इंस्टॉल करेंगे आपको सारे वीडियोस अवेलेबल दिखाई देंगे, और उसमें आपको कोई लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं कि आपको नेम डालना है, फ़ोन नंबर डालना है या आपका ईमेल डालना है, ऐसा कुछ नहीं करना। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।